हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेख तुबा चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूंगी ऑयली स्किन के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि हमारी ऑयली स्किन है, कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो डल हो रहा है, एक्ने पिंपल्स। तो जी, आज मैंने आप लोगों को एक मास्क बताना है जो आप लोगों ने अप्लाई करके अपना फेस जो है ऑयल फ्री कर लेना है, और इंशाल्लाह आपका फेस जो है वो ऑयल फ्री तो होगा, एक्ने फ्री भी हो जाएगा। तो जी, रेमेडी टाइम वेस्ट करे बगैर शुरू करते हैं। तो मैंने जो है ये बाउल में सबसे पहले ले लेनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी मैं पूरी गर्मियों में इसी तरह से बना के रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने एक चम्मच ले लिया, ये एक चम्मच ले लिया, और इसमें हम डालेंगे। इसमें अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें पुदीने का पाउडर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ये पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये पेस्ट पुदीने का वो ऐड कर रही हूँ एक चम्मच। और इसमें एक चीज़ आपने और डालनी है, नीम पाउडर और टी ट्री ऑयल के 3 से 4 ड्रॉप्स आपने डालने हैं, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो एक्ने फ्री है, तो इस वजह से मैंने ये स्किप कर दिया। लेकिन आपने जो है नीम पाउडर 1 चम्मच, टी ट्री ऑयल के 2 से 3 या 3 से 4 जो है कतरे आपने डाल देने हैं। फिर आपने इसमें ऐड करना है ये थोड़ा सा चावल का आटा 1 चम्मच, ठीक है जी। फिर आ गया ये कच्चा दूध, ये कच्चा दूध जो है मैं, और फिर हम इसे करेंगे मिक्स। देख लें, ये आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ब्लेंड करना है, ये ब्लेंड 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 मिक्स करके। जैसे मुझे ये अभी लग रहा है थोड़ा सा थिक है ये, तो मैं इसमें दूध नहीं डालूंगी दोबारा, मैं इसमें रोज़ वाटर डाल दूंगी। तो ये मैंने एक ढक्कन जी देखें, तो ये मैंने एक कैप इसमें डाल देना, ठीक है जी। अब ये पेस्ट जो है वो ज़्यादा ना थिक है ना ज़्यादा थिन है, ये पेस्ट बन गया जी। ये हमने इसको अच्छी तरह से, अच्छा मैं फिर बोल रही हूँ मेरे एक्ने नहीं है। आपने जो है इसमें नीम पाउडर 1 चम्मच, टी ट्री ऑयल 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने डालने हैं, और ये पेस्ट जो है वो इस तरह से बन जाएगा। तो जी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो है बाल साइड पे करेंगे हम अपने, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट है ये गर्मियों के हवाले से। मुल्तानी मिट्टी के बहुत से फ़ायदे हैं, हर किसी को पता है मुल्तानी मिट्टी जो है गर्मियों में कितना फ़ायदा देती है स्किन को हमारी। और पुदीने का जो पाउडर है वो आपकी स्किन की जो है वो पिगमेंटेशन जो है वो ख़त्म करेगा, दूर करेगा, और नीम पाउडर जो है वो आपकी स्किन के जितने भी पिंपल्स हैं वो उसे दूर करेगा। टी ट्री ऑयल और नीम पाउडर जो है वो आपके पिंपल्स एक्ने के लिए बेस्ट है, लेकिन मेरी जो है एक्ने है ना पिंपल है, मेरी स्किन फ्री है, बिल्कुल फ्लॉलेस है, तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया। आपने जो है ऐड कर लेना है, और इसको हमने थोड़ा सा ना ज़्यादा इसको हमने लेयर इसकी मोटी करनी है ना ज़्यादा इसकी पतली करनी है, ठीक है। आईब्रो में भी लगता है तो खैर है, घट ही जाना है भाई, आँख बच गई। हो तो जी यहाँ पर भी थोड़ा सा लगा देते हैं, डार्क सर्कल पे भी हम थोड़ा कवर करेंगे। तो
तो आप चाहें तो इसे नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं अभी नेक पे नहीं कर रही। तो ये आपने लगा लिया और फिर आपने इसको करना है ड्राई। तो जब तक ये ड्राई होता है फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये थोड़ा सा ड्राई हो गया और अब बात करेंगे चावलों की। चावलों का आटा जो हमने डाला था वो हमारे स्किन पे जो है वो थोड़ा सा वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा और स्क्रबिंग का काम करेगा, और जो हमारी स्किन में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो उसे कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो बहुत कम लोगों को पता है कि चावलों का आटा या चावल की जो रेमेडी होती है वो हमारे स्किन पर जो है वो ग्लो तो देती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो ऑयल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। सर्दियों में हम लोग इसको चावलों को क्यों अवॉइड करते हैं वो इस वजह से क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई कर देता है। तो हमें गर्मियों में ज़्यादातर जो है चावलों का आटा यूज़ करना चाहिए मुल्तानी मिट्टी के साथ। और अगर आपके पिंपल्स हैं तो आप जो हैं वो नीम पाउडर और टी ट्री ऑयल भी यूज़ कर लें, और साथ ही साथ पुदीने का पाउडर जो है वो हम ऐड करेंगे। तो उससे हमारी जो स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो भी दूर होगी और साथ ही साथ आपकी स्किन जो हो जाएगी बिल्कुल ऑयल फ्री। बेस्ट मार्क्स है ये ऑयलिंग कंट्रोल के लिए। तो आप ट्राई करिएगा, लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं जो है इसको पूरा नहीं सुखाऊंगी, मैं बस अभी इसको वॉश करने जा रही हूँ और वॉश करके फिर मैं आपको रिज़ल्ट बताऊंगी इसका रिज़ल्ट फिर कैसा आया है। तो मैंने जो है अपना फेस वॉश कर लिया, और उसको जो है वॉश आपने किस तरह से करना है, आपने सर्कुलर मोशन में जो है मसाज आपने करना है और फिर आपने उसको साथ ही साथ वॉश करते रहना है और फिर आप को उसका रिज़ल्ट ये नज़र आएगा। स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और ग्लो करेगी, और जो आपकी प्रॉब्लम है ऑयलिंग की तो वो ऑयलिंग की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये तो हो गया रेमेडी, और टिप्स की बात करें तो आप जो है दो टिप्स पर जो है अमल करें। एक नंबर वन जो है आपने पानी ज़्यादा पीना है, जितना पानी पी सकते हैं आप पिए, दिन में ज़्यादा पानी पिए। और दूसरा जो है अपने फेस पे जो है रोज़ वाटर स्प्रे जो है वो करते रहें।